गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास नाइन्थ के विषय हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए आज हम सभी लोग हिंदी स्पर्श भाग एक में काव्यांश, जो कि सियाराम शरण जी की रचना एक फूल की चाह पर चर्चा चल रही है, उसके काव्यांश 10 पे चर्चा करेंगे। काव्यांश 10 के कुछ आधे भाग पर हमने पिछले दिनों चर्चा की थी, जिसमें सुखिया के पिता को लोगों के द्वारा, पुजारी आदि के द्वारा बंदी बना लिया गया, पकड़ा गया उन्हें और लोगों के द्वारा धक्का दे करके उसे जमीन पर गिरा दिया गया। जमीन पर गिरने के बाद सुखिया के पिता ने महसूस किया कि मेरे द्वारा किया जाने वाला यह कर्म मेरे लिए एक अभिशाप बन चुका था और उसने बहुत याचना की कि महिमा के प्रति, माँ की महिमा, निश्चय ही क्या मेरे कर्म से प्राप्त होने वाले पाप से भी कहीं अधिक है, क्या मेरी प्रति, मेरे प्रति किया जाने वाला माता का वह व्यवहार क्या सबके लिए समान नहीं है, क्या मैं अछूत मंदिर में भी प्रवेश करने का अधिकारी न हूँ। किंतु किसी ने भी उनकी एक न सुनी, सुखिया के पिता को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया गया, उन्हें लात घूसों से पिटाई की गई, जिससे वह अत्यधिक दुखी और रोता रहा। उसे गम इस बात का न था सुखिया के पिता को कि उसे पीटा गया, लात घूसों के द्वारा उसकी पिटाई की गई, बल्कि दुख और कष्ट तो इस बात का था कि सुखिया के द्वारा कहे जाने वाली वह बात जिसमें माता दुर्गा के मंदिर का एक प्रसाद ला करके दो, उस कार्य को सुखिया का पिता पूरा न कर सका। इस दुख के कारण से वह अत्यधिक दुखी और पीड़ित था। तो आइए चलते हैं काव्यांश 10 के अगले भाग की ओर, जिसमें सुखिया के पिता कोई की लात घूसों से पिटाई करने के बाद पुलिस आदि के द्वारा उसे जेल भिजवा दिया जाता है। न्यायालय में जाने के बाद उसके अपराध को न्यायाधीश के द्वारा सुना जाता है और इस प्रकार न्यायाधीश के प्रति उस समय सबसे बड़ा अपराध माना जाने वाला अछूत का मंदिर में प्रवेश करना था, जिस पाप के दंड स्वरूप सुखिया के पिता को कई दिनों तक जेल में बंदी बनाया जाता है। लगभग 7 दिनों तक बंदी रहने के बाद 7 दिन वह जेल में बंद रहा। दंड को भोग करके जब वह वापस निकलता है तो क्या होता है उसके साथ, तो आइए काव्यांश 10 के आधे भाग पर हम चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया है सबका सच, मेरे हाथों से, मेरे हाथों से प्रसाद सब, मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया हाँ सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुँच सके यह अब। न्यायालय ले गए दंड मुझे थे 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझको देवी का महान अपमान। सुखिया का पिता आगे की घटना को बताता है कि मुझसे बड़ा देवी का अपराध हो गया था, जिस कारण मुझे जेल में बंद किया गया, मुझे जेल में भेजा गया। तो आइए देखते हैं शब्दार्थ पे। क्या कहते हैं
मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया सबका सब, बिखर गया गिरकर फैल गया। आगे क्या कहते हैं, बिखर गया हा सबका सब हाय, अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सचे सके यह अब, अभागी किसका भाग्य अच्छा न हो। हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब, न्यायालय ले गए मुझे थे 7 दिवस दंड विधान, 7 दिवस दंड विधान दंड का नियम या आदेश कर सकते हैं। दंड विधान मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान, देवी का अपमान हुआ जिस कारण से मुझे जेल में बंद किया गया। 7 दिवस तक मुझे न्यायालय के द्वारा जेल में बंद किया गया। तो आगे देखते हैं व्याख्या में, भावार्थ में आते हैं, शब्दार्थ हो गया हो सबका। चलिए तो आगे भावार्थ में चर्चा करते हैं। क्या है तो देखते हैं, कहते हैं कि जब सुखिया के पिता को पीटा गया, लात घूसों से उसकी पिटाई की गई, वह निरंतर पृथ्वी पर लेट गया, उसके हाथों से माता का प्रसाद इधर उधर बिखर गया फैल गया, उसे इस बात की चिंता न रही कि उसकी पिटाई हुई, उसे अपमानित किया गया, उसे मंदिर से निकाल दिया गया, बल्कि दर्द और कष्ट उसे इस बात का था कि उसके हाथ में स्थित वह पुष्प जिसे वह अपनी पुत्री को देना चाहता था, जो उसके पुत्री की आखिरी इच्छा थी, जिसको पुत्री ने मांगा था, जिसके प्रति पुत्री का वह विश्वास था कि उसके प्राप्त होने के बाद उसका जीवन हर प्रकार से सुखमय हो जाएगा, उसकी वह बीमारी जिसमें वह ज्वर से पीड़ित थी वह दूर हो जाएगी, उसका जीवन अच्छा हो जाएगा। इस दर्द से इस दुख से वह पीड़ित रहा। लोगों के द्वारा आगे फिर बताते हैं कि अभागी बेटी, पिता ने कहा कि मेरे हाथ से वह पुष्प छूटकर बिखर गया, निश्चय ही है बेटी तुम अभागी हो, तुम्हारे भाग्य में सुख नहीं प्रसन्नता नहीं, क्योंकि माता का प्रसाद जिस पर हर व्यक्ति का अधिकार होता है, माता की महिमा हर व्यक्ति के लिए बराबर होती है, उसे भी मैं तुम्हें लाकर दे न सका, तो निश्चय ही तुम्हारा भाग्य अभाग्य के रूप में बदल चुका है, तो मुझे भी इस बात का दुख और कष्ट है। किंतु सुखिया के पिता के इस कष्ट को न देखते हुए लोग सुखिया के पिता को पकड़ कर ले गए, कहाँ गए तो मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया हाँ सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। इस दुख से सुखिया का पिता निरंतर दुखी रहता है, पीड़ित रहता है कि अब यह पुष्प किस प्रकार से मेरी पुत्री के पास पहुंचेगा। न्यायालय ले गए मुझे थे
सात दिवस का दंड विधान मुझको हुआ हुआ था, मुझसे देवी का महान अपमान। तो कहते हैं बाद में मुझे न्यायालय ले जाया गया, मेरे ऊपर आरोप लगाए गए, आरोप में मैंने माँ दुर्गा का अपमान किया था जो कि आरोप कहलाने योग्य न था, किंतु सामाजिक व्यवस्था और जातिवाद के कारण से मुझे अपमानित होकर उस दंड को स्वीकार करना पड़ा और इस प्रकार मुझे 7 दिन का दंड विधान नियमानुसार मुझे 7 दिन काल कोठरी में रहना पड़ा, जेल में मुझे जीवन व्यतीत करना पड़ा। जेल में रह करके मुझे निरंतर यह दुख होता रहा कि मुझसे यह कौन सा अपराध हो गया। अंत समय तक जिस माँ की भक्ति को प्राप्त करते हुए मैं श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी पुत्री सुखिया के लिए प्रसाद अगर दे देता तो शायद उसका जीवन बच जाता, मैं अपनी पुत्री से पुनः मिल पाता। किंतु इस दुख से पीड़ित सुखिया का पिता रात और दिन जेल की काल कोठरी में आंसू को बहाता रहता है, दुखी रहता है, देवी का महान अपमान महसूस करता है कि देवी के महान अपमान का यही दंड है जिसे मुझे 7 दिन तक रहकर व्यतीत करना है। तो आइए देखते हैं, मेरे हाथों से प्रसाद भी सुखिया सुखिया का पिता करता है, मेरे बहुत कुछ कहने पर भी करने पर भी किसी ने मेरी एक न सुनी, लोगों ने मुझे जमीन पर गिरा दिया, और लात घूसों से मेरी पिटाई भी की, मेरी लात घूसों से मेरी पिटाई भी की, मेरे हाथों में रखा मेरे हाथों में रखा प्रसाद गिरकर जमीन में बिखर गया। सुखिया के पिता ने कहा, मुझे वह दर्द वह कष्ट मुझे कष्ट इस बात का मुझे कष्ट इस बात का नहीं था कि
मेरी पिटाई हुई, बल्कि कष्ट एवं दुख ऊपर का हो गया होगा, बल्कि कष्ट एवं दुख है इस बात का था कि मेरी पुत्री को प्रसाद, मेरी पुत्री को यह प्रसाद कौन लेकर मेरी पुत्री को यह प्रसाद कौन पहुंचाएगा। आगे फिर बताते हैं कैसे पहुंच सके यह। अब न्यायालय ले गए मुझे वह, उसके बाद सुखिया के पिता ने बताया, इसके बाद मुझे न्यायालय ले जाया गया। लोगों के द्वारा मेरे ऊपर अपराध करने का आरोप लगाया गया। क्योंकि मैंने माँ को अशुद्ध करने जैसा अपराध किया था। जिस कारण मुझे न्यायालय के द्वारा सात दिन तक काल कोठरी में रहने की
रहने की। सजा सुनाई गई और मुझे सात दिन तक बंद रखा गया। 7 दिन तक मुझे बंद रखा गया। बताते हैं, मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया। अभागी बेटी तक यह पुष्प कैसे पहुँचे, यह सोच करके मैं चिंतित रहा। किंतु मेरे दुख, मेरे दर्द और मेरे इस रुदन को कोई सुनने वाला वहाँ न था। लोगों के द्वारा बार बार यह कहा जाना कि मैंने माँ दुर्गा को अपमानित किया है, उनके मंदिर में प्रवेश करके मैंने उनकी प्रतिमा को कलंकित कर दिया। लाखों हजारों वर्षों से माँ दुर्गा का जो प्रांगण था, उस प्रांगण की शुद्धता मेरे द्वारा समाप्त हो गई। उनके आंगन, उनके मंदिर के तट सब अशुद्ध हो गए मुझ अछूत के स्पर्श करने के कारण। इस प्रकार लात घूसों से पिटाई करने के बाद भी मुझे वह पीड़ा न हुई जो पुत्री तक पुष्प न पहुंच पाने के कारण से हो रहा था। बहुत विनय याचना करने के बाद भी लोगों ने मेरी एक न सुनी। मुझे पकड़कर न्यायालय ले जाया गया और न्यायालय में ले जा करके मेरे ऊपर आरोप सिद्ध किया गया। मंदिर के श्रेष्ठ महापुरुषों के द्वारा निरंतर यह बताया गया कि मैंने माता का अपमान किया है, यह मेरा बहुत बड़ा अपराध है। इस प्रकार माता को अपमानित करना, उनकी शुद्धता को अशुद्ध करने के आरोप में न्यायालय के द्वारा मुझे दोषी करार देते हुए निश्चय ही 7 दिन की सजा सुनाई गई, जिसमें 7 दिनों के लिए मुझे जेल के काल कोठरी में रखा गया। 7 दिवस तक सुखिया के पिता ने बताया कि इस 7 दिवस के बंद के समय मैं अत्यधिक दुखी दुख का अनुभव कर रहा था। क्योंकि मैं अभागा पिता अपनी पुत्री के अपनी पुत्री सुखिया की आखिरी इच्छा अपनी पुत्री सुखिया की आखिरी इच्छा को भी आखिरी इच्छा को भी पूर्ण न कर सका था। इस प्रकार पश्चाताप और दुख के आगोश में सुखिया का पिता दुखी रहा।
निश्चय ही मैंने स्वीकार किया कि मैंने माता का अपमान किया था। इसी का यह दंड है। इस प्रकार सुखिया के पिता दुखी और विलाप करते हुए जेल की कालकोठरी में अपना जीवन 7 दिन का व्यतीत करने लगे और दुख और पश्चाताप की आंसुओं में रोते हुए उनका 7 दिन व्यतीत हुआ। इस प्रकार उन्होंने 7 दिन तक अपने इस कर्म के फल को दंड के रूप में स्वीकार किया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम फिर इसके आगे काव्यांश 11 पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।